ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। किसी को नीम के पेड़ को भी पूज कर अगर उसको तसल्ली मिलती है, ये उसकी मर्जी है, लेकिन किसी को जबरदस्ती या कुछ ऐसा करना कि तुम इस धर्म में आ जाओ, ये बहुत गलत है। और हमने पार्लियामेंट में भी और अभी विरोध किया है और आज विरोध जारी रहेगा पूरा दिन जितनी देर तक सरकार को स्टेटमेंट। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, धर्म निजी प्रॉपर्टी है, आपका अपना मन किस कैसे जाना। अगर आपको लालच दे के या कोई ऐसा दबाव डाल के आपको किसी और धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है तो ये दुखदायक है। अगर अगर सरकार एंटी कन्वर्जन बिल लाएगी तो स्वागत है। और धर्म परिवर्तन पर बैन ही लगा दिया जाए, क्या आप इससे सहमत हैं? जे चूंकि इतने विवाद पैदा होते हैं उसमें। नहीं देखिए, फिर बैन लगा दें तो फिर इसमें फिर ह्यूमन राइट्स का आएगा कि जी अपनी मर्जी से क्यों नहीं। अगर कोई मर्जी से जाता है तो उसको आजादी होनी चाहिए। अगर कोई दबाव में या कोई किसी पॉलिटिकल एंगल से लिया जाता है तो इसका हम विरोध करें। खबरों दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।